वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पिंपल्स को नेल से पॉप नहीं करना चाहिए, जिसके निशान रह जाते हैं। और जब तक हमें ये सारी चीजें पता चलती है, फील होती है, तब तक हम अपने नेल से उसका काम खत्म कर देते हैं, तमाम कर देते हैं। सोचते हैं कि आज पिंपल हुआ है तो कल ही खत्म हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें DIY होम रेमेडी के थ्रू भी आप चाहे तो अपने एक्ने स्कार्स को रिमूव कर सकते हैं। बट यार, जब तक हमारे माइंड में आता है कि ये निशान हो रहा है, इस पर कुछ लगाना है, तो एट ए टाइम हम नहीं कर सकते, होम रेमेडी तैयार नहीं कर सकते। हमें सॉल्यूशन फटाफट चाहिए होता है और इफेक्टिव चाहिए होता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ कि क्या रेडीमेड सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत ज्यादा ही इसमें बताया जाता है, मिथ मिलेगा कि आप ये यूज कीजिए, ये क्रीम लगाइए। बट मैं आज आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि क्या लगाना चाहिए। यार, ये मक्खियां बार बार आ जाती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नेल से जब हम पिंपल को पॉप करते हैं तो आखिर उसके निशान क्यों रह जाते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे ही हम नेल्स को लगाते हैं, उसे पॉप करने की कोशिश करते हैं, वहां पर नेल्स का निशान रह जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी सेल्स होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, बैक्टीरिया तो फैलते ही फैलते हैं, लेकिन आपका जो एक्ने स्कार्स है वो निशान छोड़ जाते हैं, हमेशा के लिए रह जाते हैं। फिर हम वहां वहां यहां वहां भटकते रहते हैं, दिमाग में टेंशन होती है इसे कैसे रिमूव करें। बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम पिंपल एक्ने स्कार्स को रिमूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन जिसे मैं भी पर्सनली यूज करती हूँ, क्योंकि दाग धब्बे तो हर किसी के हो ही जाते हैं, चाहे वो पिंपल के हो चाहे वो किसी और रीजन से हो, तो सबसे बेस्ट होती है आपके घर में, सभी के घर में ये वाली जो क्रीम है हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। ये एक मेडिकल क्रीम है। क्रीम को लेके बहुत सारे मिथ वीडियोस वगैरह बनी हुई है, माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन है दिमाग में कि इसे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। सो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बहुत सारे मिथ इस चीज के हैं कि आप इसे डेली बेसिस पे लगाइए, आपके दाने सही हो जाएंगे, आपकी स्किन है वो गोरी हो जाएगी, रंग फेयर हो जाएगा, लेकिन सच मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये वेटना वेट एंड क्रीम है। इस ब्रांड की तीन आपको इसमें वर्जन मिल जाता है, मैं कहती हूँ तीन वैरायटी मिल जाती है, जिसमें वेटना वेट सी, वेटना वेट एन एंड वेटना वेट GM होती है। लेकिन वेटना वेट एन होती है सबसे ज्यादा पॉपुलर, ये क्रीम है, मेडिकल क्रीम है। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि ये कोई स्किन केयर क्रीम नहीं है, ये एक मेडिकल क्रीम है। स्किन केयर क्रीम का मतलब होता है जिसे हम डेली बेसिस पे यूज कर सके, लेकिन मेडिकल क्रीम का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई है उस जगह आप कुछ डे तक आप उसे पर्टिकुलर यूज कीजिए और उसके बाद उसे छोड़ दीजिए। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसे डेली बेसिस पे यूज करना है, सबसे बड़ा मिथ यही होता है। आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया जाएगा कि आप इसे महीने भर लगाइए, गोरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वेटना वेट में बेटामेथासोन वैलरेट एंड नियोमाइसिन होता है। बेटामेथासोन वैलरेट का काम होता है जितने भी आपके दाने होते हैं, रेडनेस होती है, एलर्जी होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, इन सबको दूर करता है। और दूसरी जगह नियोमाइसिन होता है, वो एंटीबायोटिक होता है, जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फैलने से रोकता है, आगे स्किन पे नहीं बढ़ने देता है। ये चीज़ पर्सनली मैं आपको शेयर कर रही हूँ, कभी भी इसे डेली बेसिस से मत लगाइए। जब भी आपको लग रहा है कि रेडनेस है, फंगल इन्फेक्शन है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, उस जगह आपको रेगुलर यूज करनी है 5 से 7 दिन, और आपको इसे ज्यादा देर तक रब नहीं करना है कि आपको इसे इस तरह से रब करते रहो, मिसलते रहो, लगाते रहो। ये कोई ऐसी क्रीम नहीं है जिसे आप लगाते मिसलते रहो, जस्ट आपको सिर्फ फिंगर से लेनी है एंड 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए स्लो मोशन पे लगा के छोड़ देनी है ओवरनाइट। इससे बेस्ट क्रीम है, मैं इसे पर्सनली भी यूज करती हूँ। मुझे जब भी यू कैन सी कि अभी थोड़ा सा मैंने मेकअप किया हुआ है इसलिए शायद ये दबरा होगा, आपको नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर मुझे एक हल्का सा निशान है, तो मुझे अभी 3 दिन हो चुका है 3 डेज से मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, बहुत लाइट हो चुका है। अगर आप 3 दिन तक और मैं यूज़ करूँगी इसे तो बिल्कुल ही मतलब रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई निशान होता है, मार्क होता है, चाहे वो एक्ने का हो, पिंपल्स का हो, कैसा भी आपका मार्क हो, जब आपका वो हुआ है तुरंत इसे अप्लाई कर लीजिए तो जल्दी रिमूव हो जाता है। लॉन्ग टाइम तक आप उसे इग्नोर करते रहते हैं कि बाद में और फिर यूज़ करते हैं तो शायद आपको रिजल्ट वो बहुत लेट मिले, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि कोई भी आपके पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम हुई, निशान हुआ, कोई भी दाने रेडनेस हुआ, तुरंत आप उसे यूज कर लीजिए। खास तौर से अगर कोई पिंपल्स का निशान होता है तो उसे तुरंत वहां पर अप्लाई करने लग जाइए, विद इन 5 और 7 डेज के अंदर आपका रिमूव हो जाएगा। जितना लेट करोगे उतना लेट ही आपका निशान है वो रिमूव होगा। आई होप अब आपके सारे कंफ्यूजन, सारे मिथ आपके खत्म हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह का बहुत ही नॉलेजेबल हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूँ, क्योंकि सारी चीजें मैं यूज करती हूँ देन आपको कहीं शेयर करती हूँ। कोई भी मैं इसमें गलत प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव।